फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्काई डायरी स्पीक्स में। एंड आज हम लोग सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई एंड उसके अजम्पशंस देखने वाले हैं। एंड ये वीडियो जो बच्चा एंड तक देखेगा उसका लॉ ऑफ सप्लाई में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, वो गारंटीड। आपको खाली एंड तक मेरे साथ बने रहना है। सो 4 या 5 मिनट्स का वीडियो रहेगा, आप खाली मेरे साथ बने रहना, आपको ये कंसेप्ट वापस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो, सो लेट अस स्टार्ट। सप्लाई मतलब क्या होता है? सप्लाई मीन्स अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सेलर ऑफर फॉर सेल। सप्लाई मतलब सप्लाई करना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है। सेल कौन करना चाह रहा है? सेलर। सो सप्लाई मीन्स अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सेलर ऑफर फॉर सेल। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सेलर ऑफर फॉर सेल। जब प्राइस बढ़ता है, व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई राइजेस, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स सप्लाई भी क्या होता है? फॉल्स होता है। देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। क्यों सर? जब प्राइस बढ़ता है सप्लाई भी बढ़ता है, प्राइस घटता है सप्लाई भी घटता है। सो ये रिलेशनशिप क्या हुआ? पॉजिटिव रिलेशनशिप किसके बीच में? प्राइस एंड सप्लाई। तो तीन बातें हैं, सप्लाई मतलब क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सेलर ऑफर फॉर सेल, ये वाला, एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप। लॉ ऑफ सप्लाई को क्या बोलता है? इंट्रोडक्शन में, लॉ ऑफ सप्लाई इज गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, याद रखना है आपको। लॉ ऑफ सप्लाई इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस ऑल्सो। देन स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या बोलता है? देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बींग इक्वल, वेन प्राइस राइजेज सप्लाई ऑल्सो राइजेज, एंड वेन प्राइस फॉल्स सप्लाई भी क्या होता है? फॉल्स होता है। इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। देखो, शेड्यूल यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्राइस 1, 2, 3, 4, 5, सप्लाई 100, 200, 300, 400 एंड 500। सो प्राइस इज इंक्रीजिंग, सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, मतलब प्राइस राइजेस सप्लाई राइजेस, ये वाला रिलेशन लिया है। देन वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? शेड्यूल का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। सो देखो क्या लिखा है, इन द गिवन शेड्यूल फर्स्ट कॉलम इंक्लूड्स प्राइस एंड सेकेंड कॉलम इंक्लूड्स क्वांटिटी सप्लाइड। देखो, फर्स्ट कॉलम इंक्लूड्स प्राइस, सेकेंड कॉलम इंक्लूड्स क्वांटिटी सप्लाइड। देन एज अ इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब जैसे लॉ बोलता है कि बाबा प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, तो हम लोग ने वैसे ही शो किया है, एज अ इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। सो इसको हम लोग को डायग्रामेटिक फॉर्म में बताना है। तो देखो, यहाँ पे आपको वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस बनाना है। वाई एक्सिस पे यहाँ पे सप्लाई शो किया है, एक्स एक्सिस पे प्राइस शो किया है। सो वही अकॉर्डिंगली जैसे मैंने ऊपर दिया था सप्लाई एंड प्राइस, अकॉर्डिंगली आपको सेम मेजरमेंट लेके 100, 200, 300, 400, 500 सप्लाई, 1, 2, 3, 4, 5 प्राइस, बराबर। सो एज जब प्राइस 1 था सप्लाई 100, प्राइस 2 था तभी सप्लाई 200, देन 3 था तभी 300, 4 था तभी 400, 5 था तभी 500। और आपको क्या करना है, ऐसा एरो या तो लाइन आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। और SS सप्लाई, इसको बोला जाएगा सप्लाई कर्व। सो इसका एनालिसिस क्या निकलता है देखना, इन द अबाउट डायग्राम क्वांटिटी, मतलब क्या कर रहे हो, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, अच्छे से देखना। इन द अबाउट डायग्राम क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड है, एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा? प्राइस, एंड प्राइस इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस। देन सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा, SS क्या है आपका सप्लाई कर्व, वो कैसा है, अपवर्ड है कि नहीं, तो आगे देखो। सो SS इज द सप्लाई कर्व विच इज अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, खत्म। अगर सपोज आपको लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करने बोला, नो एजम्पशन नो एक्सेप्शंस, ध्यान आपको इधर तक लिखना पड़ेगा। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट समझ में आ रहा है तो इसको परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको PDF फॉर्मेट में इसका नोट्स, आपको पूरा इकोनॉमिक्स का नोट्स रहेगा वो आपको सेंड कर दूंगा। और सेम ऐसे OCM SP सब्जेक्ट से भी नोट्स है, आप परचेस कर सकते हो। आप प्लेलिस्ट में बाकी के वीडियो चेक कर सकते हो, सो कैसे वो भी नोट्स है, सो पहले आप वो वीडियोस भी जाके देख लेना। देन चलो यहाँ पे आगे बढ़ते, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एजम्पशंस में, नो चेंज इन प्राइस, इट इज़ अज्यूम दैट देर शुड नॉट बी एनी चेंज इन प्राइस। अज्यूम किया जाए, एजम्पशंस है ना, तो अज्यूम किया जाएगा प्राइस में कोई चेंज नहीं है। ये प्राइस चेंजेस सप्लाई ऑल्सो चेंजेस, अज्यूम किया जाएगा कि प्राइस में कोई चेंज नहीं, ओके। देन अगर प्राइस चेंज हुआ तो सप्लाई क्या होगा, चेंज होगा। नो चेंज इन नेचुरल कंडीशंस, सो इट इज़ अज्यूम दैट देर शुड नॉट बी एनी चेंज, या तो चेंजेस इन नेचुरल कंडीशंस, अगर नेचुरल कंडीशंस अगर चेंज हुआ देन सप्लाई ऑल्सो चेंजेस। देन नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कंडीशन,
It is assumed that there should not be any changes in transport conditions. If transport condition changes, then supply also changes. अभी आप भी लिख सकते हो no changes in cost of production. क्या बोला जाएगा? It is assumed that there should not be any change in cost of production. If cost of production change, then supply also change. आगे आप बोलो फटाफट. No change in technology. It is assumed that there should not be any change in technology. If technology change, then supply also क्या होगा? Change होगा. Then price of related product. It is assumed that there should not be any change in price of related product. अगर related product का price change हुआ, then supply also changes. शाबाश. Then आगे आप ही बोल दो. चलो आप ही पढ़ाओ मेरे को फटाफट. No changes in government policy. It is assumed that there should not be any change in government policy. If government policy change, then supply also change. Well, सब बच्चे talented है. आगे. सो ये था आपका कंसेप्ट लॉ ऑफ सप्लाई. अगर आपको ये नोट समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीफोन नंबर पे, मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर देना. ऑन पेमेंट आपको इमीडिएटली आपके व्हाट्सएप या तो ईमेल आईडी पे पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड किया जाएगा. सो आज के वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट कंसेप्ट या तो नेक्स्ट वीडियो आपको कौन किस कंसेप्ट पे चाहिए या तो कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक है वो मेरे को आप बता देना कमेंट सेक्शन में, देन वी विल डिस्कस दैट. अगर ये वीडियो आपको सच्ची में हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्त या तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना. एंड डोंट लीव विदाउट सब्सक्राइबिंग द चैनल. सो सब्सक्राइब करो चैनल को. दैट्स इट एंड बाय बाय.